पंजाब में जो आज हालात बन रहे हैं, मैंने आज से 8 महीने पहले 9 महीने पहले ही वीडियो डालकर ट्वीट करके एंटिसिपेट किया था। अरविंद केजरीवाल इंदिरा गांधी का वो मॉडल पंजाब में लागू कर रहा है, जो मोडस ऑपरेंडी उन्होंने अडॉप्ट की थी। पहले पंजाब के हालातों को बिगाड़ा गया, फिर सिखों को मारा गया, उनको आतंकी घोषित किया गया, स्टेट को बर्बाद किया गया, और फिर आतंकवाद ख़त्म करने के नाम पे देश में सत्ता को हासिल किया गया। ये एक मोडस ऑपरेंडी, एक मॉडल था, एक बड़ी ही वेल डिज़ाइंड कॉन्स्परेसी थी, जिसको लोग अक्सर इंदिरा मॉडल बोलते हैं, जो पंजाब के अंदर उन्होंने सफलतापूर्वक इसको कामयाबी हासिल कराई। इसमें पंजाब के हजारों हजारों बेगुनाह नौजवान मारे गए, लेकिन कांग्रेस को सत्ता मिल गई और बहुत बड़ी सत्ता मिली, लेकिन उसका खमियाजा पूरे देश ने भुगता। अरविंद केजरीवाल वही मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं। आज जो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, क्यों बिगड़ रहा है? अरविंद केजरीवाल खुद उसको बिगाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब पुलिस की क्षमता नहीं है काम करने की, पंजाब पुलिस में ताकत नहीं है। पंजाब पुलिस बड़ी से बड़ी चुनौती को हैंडल करने के लिए समर्थ है, सक्षम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो रिमोट कंट्रोल से दिल्ली चला रहे हैं, उनका मानना यह है कि पंजाब को एक बार डिस्टेबलाइज किया जाए, एक माहौल ऐसा बनाया जाए कि आतंकी हैं सिख, फिर इनको मारा जाए और ये कहकर देश की सत्ता हासिल की जाए कि देखिए हमने पंजाब के अंदर आतंकवाद को खत्म किया, हमने सिखों को मारा है। मैं अरविंद केजरीवाल से आग्रह करना चाहता हूँ, इस खतरनाक डिज़ाइन ने पहले ही देश को बहुत बर्बाद किया है, इस खतरनाक डिज़ाइन ने पंजाब को बहुत तबाह किया है। कृपया इस रास्ते पर मत चले, इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा, सारे देश को भुगतना होगा, सारे पंजाब को भुगतना होगा, और इसमें पंजाब भी बर्बाद होगा और देश की भी तबाही होगी। ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।